हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे थे जिसमें हमारी टू क्लासेस हो चुकी थी। थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टू क्लासेस में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि तक हमने बात कर ली थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम तक हमने बात कर ली थी कि हम किसी भी जो यौगिक है, भले वो रेखीय हो अरेखीय हो, उसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल सकते हैं, ना, लीनियर नॉन लीनियर के लिए। और आपको स्पेक्ट्रा इजीली आ गया था बनाना। अब जब यहाँ तक बात हो चुकी थी तो उसके उस जो स्पेक्ट्रम था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वापस बना देते हैं एक बार। ये कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक और गामा रेज, ये एक्सरे के बाद में यूवी, विजिबल, आईआर, ये माइक्रोवेव, ये आपका रेडियो वेव। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था। इस स्पेक्ट्रम के बेस पे मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल जिस जिस एनर्जी से, मतलब जिस जिस रीजन से, जैसे ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, अलग अलग रीजन से क्या करेगा, एनर्जी को अवशोषित करेगा और वो क्या देगा, स्पेक्ट्रम देगा। ये हमने बात करी थी। मतलब मैंने आपको ये बताया था कि अलग अलग एनर्जी से जब वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा तो अलग अलग प्रकार के हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होगी। जैसे माइक्रोवेव से, अगर जो माइक्रोवेव की एनर्जी वैसे कम है तो इसकी जब एब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। मतलब रोटेशन के बेस पे हम किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बोल देते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमारी होगी। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मॉलिक्यूल कम ऊर्जा को ग्रहण करके क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। घूर्णन मतलब रोटेशन कर रहा है। इसके जब वो घूर्णन करेगा तब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई लेवल एनर्जी लेवल पर जाएगा, ऐसे कुछ इसकी स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जिससे हमको उस टेक्निक जो है को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये हम आईआर और हमारे आगे की बात भी आएगी। आईआर को जब एब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल क्या करने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। रोटेशन के साथ साथ वो वाइब्रेट भी होने लग जाता है। अणु जैसे ये अपने इर्द गिर्द वाइब्रेट भी होने लग जाता है। तो जब वाइब्रेशन के बेस पे हम किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको बोल देते हैं। हम हमारे चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेट कैसे करेगा अणु, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हम अब हमको पता है कि जब ये माइक्रोवेव से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जिससे क्या होगा कि अणु जो है घूर्णन करने लग जाएगा, सीधी सी बात है। तो उसको अपन घूर्णन स्पेक्ट्रा बोल देते हैं और इस टेक्निक को हम बोल देते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल देते हैं। रोटेशनल को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये माइक्रोवेव रीजन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, सूक्ष्म तरंगों को, मतलब इनको अवशोषित कर रहा है, इसलिए इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहे हैं। और रोटेट करने लग जाता है अणु, इसलिए इसको रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। दो नाम हो गए इसके, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब हम जो इसके लिए जो बात कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें, कि मॉलिक्यूल जो है किस लेवल तक हम इसमें बात करेंगे। तो इसकी जो स्टार्टिंग है, तो मेन इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि कौन जो मॉलिक्यूल होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा, तो उसकी मेन कंडीशन है कि वो कंपाउंड जिसमें डाइपोल मोमेंट हो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो,
परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो वो ही रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, मतलब वो ही माइक्रोवेव रीजन से एनर्जी को अवशोषित कर पाएगा और वो ही घूर्णन करेगा और वो ही रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अपनी संरचना को प्रदर्शित करेगा। क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन स्थायी द्विध्रुव आगुण उसमें होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट परमानेंट द्विध्रुव आगुण उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि हम जो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करने जा रहे हैं तो उसकी एक डेरिवेशन है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम एक डाईएटोमिक मॉलिक्यूल को हम मानते हैं, डाईएटोमिक मॉलिक्यूल हम लेते हैं और उसको हम एक रिजिड रोटेटर के रूप में मानते हैं, रिजिड रोटेटर जो एनर्जी डाईएटोमिक मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटेटर ठीक है, हम एक द्विपरमाणुक अणु लेते हैं और उसके रिजिड रोटेटर का एनर्जी लेवल की हम देखते हैं कि उसके एनर्जी लेवल क्या क्या होते हैं। देखिए हेडिंग है आपकी डायटोमिक मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बड़े मार्क्स में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें हम क्या मानते हैं कि क्या मान के इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसमें अब एक चीज़ ये मानते हैं कि ऐसा मान लीजिए, अब ये बात आ रही है कि ये रिजिड रोटेटर क्या है। रिजिड रोटेटर यानी ये हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसको दृढ़ घूर्णक कहते हैं, दृढ़ घूर्णक यानी ये जो लेंथ है, मैंने यहाँ पे दो एटम लिए हैं, इनके बीच की जो लेंथ है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इतना हमने स्ट्रोंग ये रोटेटर लिया है कि इसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे दो मॉलिक्यूल हैं। अब मैं मान लेती हूँ कि ये मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, बी है। ठीक है, अब ए का जो मास होगा वो होगा एम वन, द्रव्यमान हम एम वन मान लेते हैं, इसका हम क्या मान लेते हैं, एम टू मान लेते हैं। अब देखिए आप, अब हमको क्या करवाना है, इस ये जो रोटेटर है रिजिड रोटेटर उसको हमको घूर्णन करवाना है। घूर्णन मतलब ये पहले ऐसे हैं तो इसको घूर्णन करवा के ये थोड़ा घूमेगा, इस तरफ घूमेगा ये, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, थोड़ा और घूमेगा ये तो ये सीधा आएगा। ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा और ये फिर कम्प्लीटली घूम जाएगा ऐसे, मतलब ये घूमता घूमता हमको इसको क्या कराना है, रोटेट कराना है अपने किसी। अब आप देखिए कि ये रोटेट कर रहा है तो कहाँ से रोटेट कर रहा है, किसी एक्सिस से ही रोटेट करेगा। अब देखिए इस एक्सिस से अगर आप रोटेट कर रहे हो तो इस अब आपको एक लकड़ी घुमानी है किसी एक्सिस से, तो आप इसको यहीं से रोटेट कराओगे बीच में से पकड़ कर, तो यहां से आप रोटेट इसको करवा रहे हो, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया है ना। तो हमको एक इसकी एक्सिस लेके इसको रोटेट करवाना है, तो जिस एक्सिस से वो रोटेट करेगा तो मतलब रोटेट भी ऐसा नहीं कि हम यहाँ से पकड़ इसको रोटेट करवा दिया, अगर M1 ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ये इधर की ओर झुक जाएगा, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो इधर की ओर झुक जाएगा, तो हमें एक ऐसा सेंटर ढूंढना है जहाँ से ये कम्प्लीटली रोटेट हो सके, बैलेंस तरीके से रोटेट हो सके, ये हमें एक ऐसा इसके लिए सेंटर ढूंढना है। तो वो जो सेंटर होगा उसे बोलेंगे गुरुत्व केंद्र, जैसे हम मान लेते हैं ये इसका क्या है, गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, अब देखिए जो M1 मॉलिक्यूल है और M2 मॉलिक्यूल है इसके बीच की दूरी, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है इसकी R। अगर ये जो गुरुत्व केंद्र है यहाँ से ये R1 दूरी पर, ये जो गुरुत्व केंद्र से M1 मॉलिक्यूल जो R1 दूरी पर है और जो M2 मॉलिक्यूल है वो R2 दूरी पर है, R1 और R2 दूरी पर है। ठीक है, अब आगे मैं बताऊँ आपको कि हम अगर ये मान रहे हैं कि ये इस एक्सिस पर घूर्णन कर रहा है जहाँ से एक गुरुत्व केंद्र गुजर रहा है, ये गुरुत्व केंद्र जो है उसी एक्सिस पर ये घूर्णन कर रहा है, मतलब मैंने अभी आपको बताया जैसे ये घूर्णन करेगा तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सिस है और ये यहाँ ऐसे चला जाएगा, फिर वापस इसको हम अगर इसको रोटेट और करवाएं तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये रोटेट कर रहा है। जब दोनों का मान
इधर समान हो जाएगा, मतलब ये तभी घूर्णन कर पाएगा जब दोनों की तरफ जो आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो समान हो जाएगा। जब तक दोनों की और आघूर्ण दोनों की तरफ जो आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो बराबर नहीं होगा तब तक वो रोटेट नहीं करेगी, इसलिए उस एक्सिस से हमको उसको रोटेट करवाना है। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों तरफ आघूर्ण, मतलब इस जो एक्सिस के दोनों तरफ आघूर्ण समान है, मतलब ये देखिए M1 R1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, M2 R2 के बराबर है ना। मॉलिक्यूल M1 जिसका मास है उसका आघूर्ण और दूसरे मॉलिक्यूल यानी B का आघूर्ण जो है दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, जब ये अगर X पर घूर्णन कर रहा है, जब अणु X पर घूर्णन करता है तब उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, मतलब जब वो एक्सिस पर घूम रहा है तब उसमें एक आघूर्ण उत्पन्न होगा, जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न होगा, उसका मान क्या होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ये जो टोटल जो होगा इसका आघूर्ण का होगा ये M1 R1 का स्क्वायर। ठीक है, टोटल आघूर्ण का होगा। अभी देखिए अगर डायएटोमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास तो डायएटोमिक मॉलिक्यूल है ना, तो डायएटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, ये डायएटोमिक मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे हमारे पास दो हैं, I इज इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास M1 R1 M2 R2 का स्क्वायर, दो मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब यहाँ पे जो है हम अगर जड़त्व आघूर्ण को ले लें, I की वैल्यू क्या होगी, तो I की वैल्यू होगी μr² क्या होगी, μr². ठीक है, यहाँ पे म्यू जो है हमारा रिड्यूस मास है, समानित द्रव्यमान म्यू यहाँ पे क्या है, समानित द्रव्यमान। यहाँ पे I क्या है, I यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण इसका मान है। हम अब यहाँ आप देखिए कि ये जो म्यू का जो मान है, यहाँ हम म्यू का मान निकालते हैं, अगर म्यू का जो मान है हमें ये प्राप्त होता है M1 M2 upon M1 plus M2, हमें ये प्राप्त होता है, म्यू हमारा रिड्यूस मास है। अब ये देखिए कि हमने ये जो आर काम में लिए यहाँ पे, ये जो टोटल आर है ये किसी पर्टिकुलर आर नहीं है, ये टोटल आर है, ये जो टोटल है R1 और R2 का टोटल है। ये आप देखिए यहाँ पे कि हमारी ये जो टोटल आर थी उसको हम यहाँ ले रहे हैं, तो उसको तो हमने एक एक्सिस से जब ये रोटेट कर रहा है तो उसको हमने R1 और R2 बोल दिया। ठीक है, और अब आप देखिए कि ये जो मान है, ये जो म्यू का मान अगर हम यहाँ रखें तो I इज इक्वल टू म्यू की जगह पे M1 M2 upon M1 plus M2 और ये R² हम यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब आप देखिए कोई चीज़ अगर रोटेट कर रही है तो उसमें एक कोणीय संवेग भी उत्पन्न होता है, रोटेशन से कोणीय संवेग तो उसमें उत्पन्न होते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चक्कर लगा रहा है तो उसमें एक कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कोणीय संवेग उत्पन्न होता है मतलब अगर रोटेट भी कर रहा है ये तो उसमें एक कोणीय संवेग तो उत्पन्न हो ही रहा है, तो कोणीय संवेग हम रोटेट करते हुए अणु के लिए अगर लिखें तो यहाँ ऐसे लिखते हैं कि एक घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय संवेग क्या होगा, L कोणीय संवेग जो है I इंटू ओमेगा के बराबर होगा। ठीक है, L यहाँ पे क्या है, कोणीय संवेग। ठीक है, और W यहाँ पे क्या है, कोणीय वेग, ये जिस वेग से गति कर रहा है कोणीय वेग होगा वो। ठीक है, I इंटू W, और I आपको पता है, I आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण।
अब आपको पता है कि अणुओं के कोणीय संवेग जो होते हैं, कोणीय संवेग जो होते हैं क्वांटीकृत होते हैं, मतलब वो सीधा एक लेवल से दूसरे लेवल पर ही बढ़ते हैं, इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में जब क्वांटीकृत की बात कर रहे हैं, तो हमें इस कोणीय संवेग का क्या क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर अप्लाई करनी है, और इसे क्वांटम मैकेनिक्स की समीकरण द्वारा अपन दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अपन लिखते हैं, अणुओं के कोणीय संवेग, अणुओं के कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं, जिन्हें क्वांटम यांत्रिकी में निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। देखें इसकी वैल्यू देखते हैं अपन, एल इज इक्वल टू रूट जे कोष्टक जे प्लस वन, ठीक है, इंटू एच अपॉन टू पाई, इसकी वैल्यू ये होती है। जब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे हम इसको इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, तो हमें एल इज इक्वल टू रूट जे कोष्टक जे प्लस वन के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जे जो है घूर्णन क्वांटम संख्या है। क्या है? घूर्णन क्वांटम संख्या। जे यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 से तक हो सकती है, एंड सो ऑन, कितनी भी इसकी वैल्यू हो सकती है। अब आपको पता है कि घूर्णन करने वाले की जो ऊर्जा है, घूर्णन करने वाला कोई मॉलिक्यूल है उसकी जो ऊर्जा है वो कितनी होगी। ठीक है, घूर्णन करने वाली अणु की ऊर्जा जो है ई रोटेशनल बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है इसकी। इसकी जो भी ऊर्जा होगी, जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, आई आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा जो है यहाँ पे क्या है, ये ओमेगा आपके यहाँ आया था कोणीय वेग है यहाँ पे। ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ आई का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन इसमें हाफ आई और आई का इसमें गुणा कर दूँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्राप्त होगी, देखिए हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2i हो जाएगा। और आपको पता है एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू डब्ल्यू। अभी हमने पढ़ा एल इज इक्वल टू, ये देखिए आप L इज इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू, तो हम यहाँ ये मान रखेंगे I इज इक्वल टू ये आई डब्ल्यू यानी L स्क्वायर हमें यह प्राप्त हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 2i हम यहाँ लिखेंगे। क्या है ये? ई रोटेशनल जो एनर्जी है रोटेशनल की, रोटेशन करने की, वो हमें L स्क्वायर अपॉन 2i प्राप्त हो रही है। अब हम ई रोटेशनल के स्थान पर ई जे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई जे हमारा क्या है, ई जे ये जे जो हमारा है घूर्णन क्वांटम संख्या है। ठीक है, रोटेशनल की क्वांटम संख्या क्या होगी, तो हमें इसे ई जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ई जे, और आपको पता है एल की वैल्यू हम जब क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे निकालते हैं, तो एल की वैल्यू हमने यह लिखी है, ये जे रूट जे कोष्टक जे प्लस वन एच अपॉन टू पाई, तो हमें ये लिख देंगे, इसमें ये लिख देते हैं कि ये रूट जे कोष्टक जे प्लस वन, एल का ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा एच अपॉन 2π, इसका भी ये स्क्वायर ही है। ठीक है, अपॉन 2i आपको ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम, ई जे ये रूट हट जाएगा जे कोष्टक जे प्लस वन है ना, एच स्क्वायर अपॉन 4π² इंटू ये 2i। ठीक है,
यहाँ तक ठीक है। अगर हम इसको आगे और सोल्व करें, ई जे इज इक्वल टू जे कोष्टक जे प्लस वन स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन फोर टू जा एट पाई स्क्वायर आई, ठीक है। यहाँ तक हमें प्राप्त हो रहा है ये ई जे, जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है, इसकी एनर्जी है, इसकी रोटेशन करने की हमें उसे ये प्राप्त हो रही है, ये हमें प्राप्त हो रही है जूल में प्राप्त हो रही है, ठीक है। अगर इस ऊर्जा को हम जनरली हम ऊर्जा को सेंटीमीटर इन्वर्स में करते हैं, तो यदि ऊर्जा को सेंटीमीटर इन्वर्स में व्यक्त करें, सेंटीमीटर इन्वर्स में व्यक्त करें, तो ई जे इज इक्वल टू, ये जो ई जे है सेंटीमीटर में हमें व्यक्त करना है, तो ये जो ई जे की जो वैल्यू आ रही है इसमें हमको एच सी का भाग लगाना है, तो हमें ये सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ई जे क्या है, यहाँ पे ई जे जो ये हमने बार लगाया है वो है सेंटीमीटर इन्वर्स में घूर्णन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा है ये। आगे देखते हैं हम, ये जो ई जे जो है, ई जे बार इज इक्वल टू जे कोष्टक जे प्लस वन एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर आई, तो हमारे ये पहले ही था, और एच सी ये अलग से आया है, ठीक है। एच सी ये अलग से आया है, मतलब एच सी ये हम ऐसे लिख सकते हैं, एच से ये एक एच कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम वापस एज इट इज आ जाएगा। ई जे बार इज इक्वल टू जे कोष्टक जे प्लस वन, ये एच है नीचे, एट पाई स्क्वायर आई सी है, ठीक है, ये हो गया। अब एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू कुछ होती है, जैसे बी हम मान लेते हैं, ये जो एच, जैसे एच कांस्टेंट है, यहाँ पे एट भी एक चीज़ कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आई सी, ये सारे जो कांस्टेंट है इन सब के मान को अपन बी नाम देते रहते हैं, ठीक है। सारे कांस्टेंट मिलकर एक कांस्टेंट बना रहे हैं, और बी को हम बोलते हैं घूर्णन स्थिरांक, घूर्णन स्थिरांक। इनके स्थान पर हम एक बी मान रख सकते हैं, घूर्णन स्थिरांक का मान रख सकते हैं। तो इन जो ये जो है इन सबको हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई जे जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, आप देखिए ई जे बी, बी यहाँ लिख देंगे बी जे कोष्टक जे प्लस वन प्राप्त हो जाएगा, बी जे कोष्टक जे प्लस वन हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, घूर्णन करने वाले अणु की ऊर्जा है, जो भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो घूर्णन कर रहा है उसकी एनर्जी जो है क्या है, बी जे जे कोष्टक, ये बी जे जे कोष्टक जे प्लस वन, ठीक है, ये बी जे जे प्लस वन ये है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये एनर्जी लेवल है जे से स्टार्ट होंगे, जब जे एनर्जी लेवल जे जीरो पे होगा तब इसकी एनर्जी क्या होगी, जब जे वन पे होगा तब इसकी एनर्जी क्या होगी, तो हम अलग 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 एनर्जी लेवल पे अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि ये क्वांटीकृत होती है, तो सीधा ही एक एनर्जी लेवल से ये दूसरे एनर्जी लेवल पे ही जाता है, बीच में इसका कोई मान नहीं होता है। जैसे मान निकालते हैं ई जे बराबर बी जे कोष्टक जे प्लस वन, ये होता है सेंटीमीटर इन्वर्स में, यहाँ भी सेंटीमीटर इन्वर्स, ये आपकी मेन समीकरण है। अब हम लिखते हैं कि जब हमारे जे की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, जे की वैल्यू जीरो, तब ई जे का जो मान होता है, ये ई जे का जो मान है वो क्या होगा, देखिए बी इंटू जीरो, जीरो प्लस वन बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, टोटल जो भी प्राप्त होगा हमको वो जीरो ही प्राप्त होगा, जीरो सेंटीमीटर इन्वर्स, ठीक है। अब जब जे की जे का मान हमारे पास वन प्राप्त हो रहा है, जे इज इक्वल टू वन, तो ई जे भी क्या प्राप्त होगा, बी इंटू वन, वन प्लस वन हमको ये प्राप्त होगा, यानी ये जो टू हो गया इज इक्वल टू टू बी सेंटीमीटर इन्वर्स प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिए जे बराबर अगर मैं टू रखूँ तो ई जे बराबर बी इंटू टू, टू प्लस वन इज इक्वल टू, देखिए आप बी इंटू टू ये हो गया थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो ये सिक्स बी सेंटीमीटर इन्वर्स हमको प्राप्त हो रहा है।
अगर मैं जे की वैल्यू क्या रखूँ, 3 रखूँ, तो ई जे बराबर बी इंटू 3, ये और ये 3+1, ये प्राप्त हो रहे हैं। सोल्व करते हैं हम इनको, बी बी इंटू 3 और यहाँ पे 4, 4 3 12, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, 12 बी सेंटीमीटर इनवर्स हमको ये प्राप्त होगा। मतलब जो इनके एनर्जी लेवल जो हमको प्राप्त होंगे, उन एनर्जी लेवल का मान क्या होगा, सबसे जो निम्न होगा जिसके लिए जे की वैल्यू 0 होगी उसके लिए 0 होगा, और इसके लिए अगला जो जे बराबर 1 होगा, नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल होगा उसके लिए 2 भी होगा, इसके लिए आगे 6 भी होगा, और आगे का जो होगा 12 भी होगा। ऐसे ऐसे मान बढ़ता जाएगा, ऐसे हम जे इज इक्वल टू 4 5 6, ऐसे हम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम जे इज इक्वल टू 4 के लिए ये मैं मान ज्ञात करूँ, तो ई जे बराबर बी इंटू 4 4+1, ठीक है, बी इंटू 4 ये 5 5 5 4 20, ये 20 बी सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब ये अलग अलग एनर्जी लेवल हमको प्राप्त होगा। ये हम किसी भी एनर्जी लेवल के लिए ऐसे निकाल सकते हैं। किस वाले फॉर्मूले से, ये जो एनर्जी है हम एक रिजिड रोटेटर की जो हमारे पास एनर्जी आई है उसके लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे की चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये वाली डेरिवेशन अच्छे से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के बेस पे हम आगे इसके लिए चैन का सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, चैन का नियम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल हैं चाहे इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल शो नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके आगे आएगी। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टडी करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही, कि इसके जो है घूर्णन जो रोटेशनल इसकी स्पेक्ट्रा है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस प्रकार इसकी आवृत्ति प्राप्त होती है, वो सारा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।